हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कल का युद्ध आज के युद्ध से भीषण होगा। संभव है कल का युद्ध ही अंतिम युद्ध होगा। निश्चय ही अंतिम युद्ध होगा। अब रावण की ओर से लड़ने वाला रह ही कौन गया है? दो चार सेना नायक और अकेला रावण। धर्म, नीति और सत्य हमारी ओर है, इसलिए हमारी विजय अवश्य होगी। यह मत भूलो तुम, अकेला रावण संसार के समस्त राजाओं की समस्त सेनाओं का संहार कर सकता है। उसे जीतना इतना सहज नहीं समझना चाहिए। इस समय उसके सिर पर काल मंडला रहा है। उसने साक्षात महाकाल का विकराल रूप धारण कर लिया है। इस समय वो ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां उसे सर्वनाश ही सर्वनाश सूझ रहा है। फिर चाहे अपना सर्वनाश हो या शत्रु का। शत्रु मायावी, अधर्मी, अनाचारी है। आज रात को कोई एक पल के लिए भी झपकी नहीं लेगा। निशा में निशाचर की शक्ति अपार हो जाती है। इसका पूरा लाभ उठाने के लिए युद्ध के नीति नियम तोड़कर वह माया शक्ति से रात के अंधेरे में आक्रमण भी कर सकता है। शत्रु में अब इतनी शक्ति नहीं कि आज रात आक्रमण कर दे। हनुमंत, कई बार ऐसा होता है कि विजय के विश्वास के अतिरेक में एक पक्ष असावधान हो जाता है और वो असावधानी ही विजय को पराजय में बदल देती है। आज की रात्रि इतिहास के एक ऐसे ही मोड़ पर खड़ी है। कल का इतिहास क्या लिखा जाएगा वो हमारी जागरूकता पर निर्भर होगा। यही रात भारी, बस एक रात की अब कहानी है सारी। यही रात भारी नहीं बंधु बांधव न कोई सहायक, अकेला है लंका में लंका का नायक। सभी रत्न बहुमूल्य रण में गवाए, लगे घाव ऐसे के भर भी न पाए। दशानन इसी सोच में जागता है कि जो हो रहा उसका परिणाम क्या है। ये न जीती न हारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। ओ भगवान, मानव तो समझेगा इतना कि मानव के जीवन में संघर्ष कितना। विजय अंत तह धर्म वीरों की होती, पर इतना सहज भी नहीं है ये मोती। युद्ध में व्यर्थ हानि, पहुंच जाए परिणाम तक अब कहानी। वचन पूर्ण हो देवता सुखारी, यही रात अंतिम यही रात भारी। समर में सदा
रात अंतिम यही रात भारी। बस एक रात की अब कहानी है सारी। यही रात अंतिम यही रात भारी। यही रात अंतिम यही रात भारी।